तो अब हम करेंगे क्लास 9th का एक बहुत ही हलवा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है ये कुछ ही मिनटों के अंदर अभी के अभी इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। हमें उसके PYQs भी लगाने होंगे, पिछले सालों के क्वेश्चंस भी देखने होंगे, तभी जाकर के काम बनने वाला है। तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देखना। तो जैसा कि हमें पता है जो लाइन होती है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और हमें पता है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, यहाँ जीरो होता है बीच में, फिर वन होता है, फिर टू होता है, फिर थ्री होता है, फिर फोर होता है, और इधर माइनस के नंबर होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। बिल्कुल ऐसे अगर मैं इसको, ये जो लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, टिनिंग ऐसे करके कर दूं, तो ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन खड़ी हो जाएगी, ऊपर जो है वो पॉजिटिव के नंबर आएंगे और नीचे नेगेटिव के नंबर। तो चलिए वन टू थ्री फोर, और नीचे इसी तरह से नेगेटिव नंबर आएंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और ये माइनस फोर। ये तो माइनस फोर है। ये पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन पे बनाया है। इस प्लेन को नाम देते हैं हम, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अरे ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं है, बस एक नाम है, बस आप याद रखिए, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो प्लेन है ना इसके चार टुकड़े करे गए हैं, चार टुकड़े करेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे ये क्वाड्रेंट जो चार टुकड़े इसके करे हैं, इस क्वाड्रेंट के जो है चार टुकड़े करे हुए हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कंफ्यूजन इसमें होता है कि कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता नहीं चलता है। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखो जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और उसके बाद चक्की कैसे चलती है? उल्टी, उल्टी चक्की चलती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, अगर ये इसमें दोनों प्लस प्लस के नंबर है तो इसमें कौन सा नंबर होते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या होता है माइनस का, और वाई एक्सिस पे क्या होता है प्लस का। और इसमें जो एक्स एक्सिस माइनस का होता है और वाई एक्सिस भी माइनस का होता है, यानी कि ये सवाल आ सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट पे दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसमें अगर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है जबकि जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होता है। अब सवाल ये उठता है अगर इन्होंने बोला कोई पॉइंट को दर्शाओ तो कैसे दर्शाया जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, देखिए आपको एक पॉइंट दर्शाना है 2.5, P एक पॉइंट है 2.5 आपको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान से समझिए, जो पहला वाला पॉइंट होता है ना ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है और ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। तो एक्स पे 2 का है, एक्स पे 2 ये रहा भाई, ये रहा एक्स पे 2, और वाई पे 5 का है, वाई पे 5 नहीं, हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, एक्स पे 2 और वाई पे 5 ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक्स से 2 चलो और वाई से 5 चलो तो यहाँ पे पहुंचेंगे, यानी कि ये हम पहुंचे कहाँ, ये हम पहुंचे कहाँ, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली जो पॉइंट है इसका नाम देंगे P, जो कि है 2.5। इसमें जो x एक्सिस जो होता है, x एक्सिस इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं इसको हम, एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि भुज, भुज बोलते हैं इसको हम। जबकि जो y एक्सिस वाली चीजें हैं, जो बाद में जो लिखी हुई चीजें y एक्सिस पे, उसको हम कहते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। तो आपको इन दोनों में फर्क समझ आया भुज और कोटि में, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है, एग्जाम में सवाल देखिए। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे आपसे कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। अगर मैंने पूछा कि इसका एब्सिसा क्या है तो आप क्या बोलेंगे 2 है। अगर मैंने पूछा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है तो ऑर्डिनेट आप बोलेंगे 5 है। बट अगर मैंने पूछा कि इसकी डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी क्या है, तो कैसे बताओगे? तो ये रही एक्स एक्सिस और इससे कितनी दूरी है, इससे दूरी है 5। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 5, यानी कि ऐसे करके हम इसको बना करके देख सकते हैं। बट क्या कोई ऐसा तरीका कि बिना बनाए ही हमें पता चल जाए कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? तो हाँ देखिए, तरीका यह है कि अगर मैंने पूछा डिस्टेंस, मतलब पी जो है उसकी डिस्टेंस बताओ, मुझे डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, तो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो y पे क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका आंसर है 5 यूनिट्स। तो इस तरह से आंसर निकाला जाएगा। अगर मैंने पूछा y एक्सिस से डिस्टेंस है, तो अगर मैंने पूछा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे तब आप आंसर? हाँ सही बोला, 2। तो इसका आंसर है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का आंसर हो गया। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए एक पॉइंट है आर, तो मुझे आपको इसमें से सवाल बताना है। देखिए आप जो पॉइंट है वो -2.3 है, तो आपको कुछ सवालों के आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर करना है। पहला सवाल है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में, ये
फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आइए, फोर्थ किस में आइए, कौन से क्वाड्रेंट में आपको ये बताना है, एक सवाल ये हो गया। दूसरा आपको ये बताना है कि इसका जो एब्सिसा है, एब्सिसा यानी कि भुज, इसका जो भुज है वो क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसका ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट यानी कि कोटि क्या है इसकी, ये बताना है आपको। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसका जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस जो है उससे डिस्टेंस कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देन उसके बाद आपको बताना है कि वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी कमेंट करके बताना है। अब कमेंट क्यों करना है, कमेंट इसलिए करना है क्योंकि मुझे पता तो चले कि आपकी प्रैक्टिस है यानी इससे लेकर के, जो कि भुज दो है और कोटि पांच है, तो इस पॉइंट को दर्शाओ। तो इस पॉइंट को दर्शाना आसान है कि मुश्किल है, अरे हलवा है तो इसको दर्शा सकते हैं आप, ऐसे वाला कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और उसमें आप दर्शा सकते हैं बड़े आसानी से। तो इतना आसान होता है ये, क्या इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं इसके। तो 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, इसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 4 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन 4 के बराबर, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, के बेस पे कुछ सवाल पूछे हैं वो देने हैं, उसका आंसर देने हैं आपको। तो सवाल क्या है, सवाल है कोऑर्डिनेट ऑफ सी पता लगाना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी यानी कि सी का निर्देशांक बिंदु पता लगाना है कि सी का निर्देशांक बिंदु क्या है। तो सी कहाँ है, पहले तो सी को ढूंढना पड़ेगा, ये रहा सी। तो सी जो है वो एक्स के अकॉर्डिंग 7 पे है जबकि वाई के अकॉर्डिंग 2 पे है, तो क्या इसका निर्देशांक 7.2 हो जाएगा, 7.2 हाँ। तो पॉइंट सी जो है वो है 7.2। पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये रहा ए और ये रहा बी, इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी ये ए जो है 1 पे है जबकि बी जो है 5 पे है, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 5 - 1 = 4, तो इसके बीच की दूरी क्या आ गई, 4 यूनिट इसके बीच की दूरी आ गई, 4 यूनिट्स। अच्छा अगला सवाल क्या पूछा है, सी, सी वाले सवाल पूछा है इन्होंने कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट बताओ पहले। तो डी जो है ये रहा, डी 7 पे है और 1 पे है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 7.1 डी का कोऑर्डिनेट है, सिंपल। देन उसके बाद पूछा है कि इसका मिरर क्या है, इसका मिरर अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर मैं एक दर्पण रखूं, एक शीशा रखूं, कोई मान लो मैंने एक्स एक्सिस पे एक शीशा रख दिया, तो ये जो डी पॉइंट है ये मुझे किधर दिखेगा, इधर, लगभग इधर दिखेगा यानी यहां दिखेगा, तो डी पॉइंट मुझे यहां दिखेगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डी डैश बोल देता हूं, ये डी डैश पॉइंट है। तो क्या ये जो दूरी है और ये दूरी सेम होगी, हाँ, तो ये तो माइनस हो गया, ये तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो 7 ही है बट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये तो माइनस हो गया क्योंकि मैंने शीशा इधर रखा है, तो वो उतना ही अंदर चला जाएगा जितना बाहर था, 1 बाहर था तो 1 अंदर भी चला जाएगा, यानी -1 हो जाएगा और ये 7 जो है यहां से पॉइंट हो जाएगा, तो 7.-1 इसका आंसर है, 7.-1 इसका मिरर है। अच्छा और मैं एक सवाल आया था इसको, यानी कि ये या तो सी वाला करना था या डी वाला करना था, देखिए 1 मार्क्स 1 मार्क्स और ये दोनों आंसर देने पे 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स हो गया। बट अगर आप ये सी वाला सवाल नहीं करते तो आपको डी वाला सवाल करना था। डी वाला सवाल क्या है, डिस्टेंस निकालिए डी से, डिस्टेंस निकालिए डी की, सॉरी डी की डिस्टेंस निकालिए डी की ए से, ए से डी की दूरी कितनी है बताओ मुझे। तो ए जो है 3 पे है, डी जो है 7 पे है, तो 7 में से 3 गए तो कितने, 1, 2, 3, 4, 4 इसकी डिस्टेंस हो गई 4, तो 4 यूनिट इसकी डिस्टेंस हो गई। जबकि अगर ये पूछे वाई एक्सिस से डी की डिस्टेंस बताओ, डी की जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से बताओ, तो वाई एक्सिस ये रही, इससे डी की डिस्टेंस कितनी है, तो कितना चलेंगे, तो 7 चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, तो इसकी वाई एक्सिस की डी से डिस्टेंस कितनी है, 7 यूनिट्स, बस खत्म। इतना ही आंसर करके आना था और आपको 4 मार्क्स मिल जाने थे। अब जो क्वेश्चन है वो है 2023 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है इसमें पूछा है इन विच क्वाड्रेंट, यानी कि कौन से चतुर्थांश में -2 और -5, -2, -5 लाई करता है, वो है किस क्वाड्रेंट में। तो याद करो हमने जो क्वाड्रेंट है वो ऐसे करके बनाया था, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। कौन से वाले क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, तो याद करो इधर इस तरफ जो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों माइनस होता है, तो आंसर थर्ड है इसका, सिंपल। अगला क्वेश्चन पूछा है एक पॉइंट है पी जो कि ए कोमा बी है, ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, तो ये इधर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेसिकली, ए और बी की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ये पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, तो यानी कि जो ये है ये ए है
और ये जो बी है ये माइनस है, यानी कि माइनस यानी जीरो से कम है, और ए जो है प्लस यानी जीरो से ज्यादा है। तो किस वाले ऑप्शन में ए जीरो से ज्यादा दे रखा है? ए जीरो से ज्यादा दे रखा है ये वाला ऑप्शन है, जो इसमें ए जीरो से ज्यादा दे रखा है, और बी जीरो से कम किस में दे रखा है? ये वाला ऑप्शन है। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रखा है 5-6, इसका मिरर इमेज फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो पहले अलोंग एक्सिस फाइंड करेंगे फिर अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि पहले हमें एक्स एक्सिस पे दर्पण को रखना है यानी मिरर को रखना है, देन उसके बाद वाई एक्सिस पे मिरर को रखना है, उसका प्रतिबिंब निकालना है फिर उसके बाद। तो अगर मान लीजिए हमने ये पॉइंट बनाया, तो यहाँ पे कहीं जो है यहाँ पे कहीं 5 होगा और यहाँ पे कहीं नीचे की तरफ -6 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। तो अगर इसका दर्पण, ये तो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसका मिरर इमेज बनाना है अगर हमें, तो हम कैसे बनाएंगे? पहले अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं इसका आंसर। तो हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा इसका? अलोंग एक्स एक्सिस पे हम जा रहे हैं मिरर रखने, तो अगर हमने यहाँ पे मिरर रखा तो है 5 तो रहेगी, बट ये जो -6 है वो अंदर चला जाएगा यानी वो +6 बन जाएगा। तो 5 तो 5 ही रहा, लेकिन ये जो है -6, अब -6 नहीं रहा, अब ये +6 बन चुका है, तो ये +6 बन गया। तो अलोंग एक्स एक्सिस समझ आ गया आपको? अलोंग एक्स एक्सिस जब भी पूछा जाए तो सिंपल सी बात मैं ये बोलूंगा कि वाई एक्सिस पे जो है अगर माइनस है तो उसका माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। या सिंपल सी बात यह, आप दर्पण रख के या फिर मतलब मिरर रख के आप इमेजिन कर ही लो ना, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अच्छा, अब अलोंग वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, तो अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अलोंग की बात करें हम, तो वाई एक्सिस पे जाके मिरर रखते हैं हम। अगर मैंने यहाँ पे मिरर रखा, अगर यहाँ पे मिरर रखा तो 6 तो -6 तो -6 ही रहेगा, बट ये जो है अंदर की तरफ चला जाएगा यानी ये -5 हो जाएगा। तो -6 तो -6 ही रहेगा, -6 ही रहेगा, बट 5 जो है वो अंदर चला जाएगा यानी अब वो -5 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगर ये दोनों पॉइंट लिख के आ गए तो आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा था, जो जब मैं करा रहा था माइंड मैप, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था वहां पे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि ये जो आंसर है अगर आप लिखोगे तभी मुझे समझ आएगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच।